कोविड के एक साल के लिए राशन फ्री दिया था जो गरीब जनता है। अब रुक करते हैं जिला कुलगाम का। जिला कुलगाम के रेस्ट हाउस में आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम उन्होंने रखा बजट पे चर्चा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज वीर सराफ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम जुबैर गनई और बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट आशिक मलिक ने शिरकत की। मजीद साउथ कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज ने क्या कुछ कहा, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। आप सब मीडिया के मित्रों को रेस्ट हाउस में हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि आज से चार पांच दिन पहले जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक बजट पास किया है, और उसी विषय पे आज हमने यहाँ पे हमारे संगठन महामंत्री साउथ कश्मीर के इंचार्ज श्री वीर सराफ जी, उस विषय पे आज बात रखेंगे। श्री वीर सराफ जी, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही है बजट पे चर्चा। जैसा कि मोदी जी ने ये बोला कि ये अमृतकाल अब चल रहा है, इंडिपेंडेंस के 100 साल होने में अब 25 साल बाकी है, ये 75वां साल चल रहा है, अब 25 साल बाकी है, और ये उसका पहला बजट है, अमृतकाल का पहला बजट। तो इस बजट में ज़्यादा फोकस हम लोगों ने रखा है विमेन, यूथ, ओबीसीज, एसटीज और या शेड्यूल कास्ट, इन पर ज़्यादा फोकस रहा। तो इस साल का बजट हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ है 7%। और जो बड़ी खुशी की बात है, जबकि पूरा दुनिया रिसेशन में जा रहा है, इंडिया के फाइनेंशियल फाउंडेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 7% ग्रोथ में वर्ल्ड ने ये माना कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमिकली, और इंडियन इकोनॉमिक सब ने इंडियन इकोनॉमी की जो रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, वो सब ने माना है। 2014 में हमारी रैंक 10 नंबर पर थी, और आज वही रैंक इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमीज में टॉप 5 में आ गई है, और ये एक खुशी की बात है। इस बजट में ज़्यादातर जो इंक्लूसिव है, सब कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसमें सबका प्रयास पर मोदी जी ने ज़्यादा जोर दिया कि सबका प्रयास हो। इसमें एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ताकि नए नए ईजाद हो जाए एग्रीकल्चर का जो मशीनरी है या बाकी चीज़ है, उस पर रखा गया है। और हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा ही रखा है, 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर, 20 लाख करोड़ इसके लिए रखा गया है। और मिलेट्स दो, ये बड़े दो दिन है जो साल में इंडिया के रिक्वेस्ट पर यूएन ने एक्सेप्ट किए, एक है योगा दिवस और एक मिलेट्स दिवस। मिलेट्स हुआ वो मोटा दाना, ऐसे कशिर ब्रोंट खेवा सारी मुठ खेवा बाकी मोट तोमूल खेवा ज्यादा हेल्दी उस वनस रिफाइंड मिलान। तो अत पे कोर वर्ल्डन ये एक्सेप्ट कि मिलेट्सन पे पजे अस ज्यादा जोर दिन। फार्मास्यूटिकल्स मज रिसर्च, नई रिसर्चन खतरा आई इत पे तुम वा फार्मास्यूटिकल्स मज ऊत्र कोर कोविड मज कोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस दिन जन इंडिया मज आये अच्छे वनान वैक्सीन बना इंडिया मज आ नैजल वैक्सीन ते बना जन मार्केटस मज आ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट्स दिए गए 11,70,00,000 हो गए तकरीबन 12 करोड़ के आसपास टॉयलेट्स दिए गए। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट फॉर इकोनॉमी। जी जी सर, बता दीजिएगा ये 5वां बजट है सीता रमन के हवाले से, अगर बात करें फाइनेंस के हवाले से, और इसमें जो है नरेगा के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, डेवलपमेंट के हवाले से। जी, तो पिछले साल जो है तकरीबन
1,11,000 करोड़ के आसपास जो है पिछले जो 2021 का बजट आया था, अगर इस साल के हवाले से बात करें तो सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए। देखिए क्या होता है, पहले पहले खाली नरेगा के थ्रू ही पैसा जाता था, अभी इस टाइम तो बहुत सी स्कीमों के थ्रू इसी काम के लिए पैसा जाता है। ऑटोमेटिकली हमको जो वो बाकी स्कीम्स भी है उनको भी फंडिंग के लिए तो कहीं ना कहीं इसे करना है,